दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। नीमच आज प्रातः 11 बजे जिला कलेक्टर दिनेश जैन जिला शासकीय अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से जानकारी ली और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और उसके बाद ऑक्सीजन रूम में अन्य जगह का भी निरीक्षण किया, जिस पर सिविल सर्जन मिश्रा जी को निर्देश भी दिए। जानकारी यह भी मिली है कि अस्पताल में डॉक्टर को कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद मीडिया से भी मिले, मीडिया के सवाल का जवाब भी दिया, जिसमें जिला शासकीय अस्पताल में सड़क कच्ची और गंदगी क्रमांक 2 स्कूल के पास रास्ता जो अभी बंद कर रखा है खुलवाने, मोटरसाइकिल कार आदि से 10 रुपया नहीं वसूला जावे आदि, और मानव सेवा समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को मोती की माला पहनाकर स्वागत भी किया। प्रकार की जो है यहाँ पर समस्याएं हैं, समिति सदस्यों से भी आपकी लंबी चर्चा हुई है। देखिए, जो डायलिसिस सेंटर है वो मानव सेवा समिति द्वारा बड़े अच्छे से इसका संचालन किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में काफ़ी सारे मरीजों को इसका लाभ भी मिल रहा है और 12 मशीनों के द्वारा लगभग 500 से 600 पेशेंट्स जो हैं हर माह इसका लाभ ले रहे हैं, तो एक अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन चूंकि इस तरह के मरीज़ जो हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और आवश्यकता है कि इनकी जो है चीज़ों को और स्पेस दिया जाए, कैपेसिटी बढ़ाई जाए और जो ज़्यादा क्योंकि इसमें सामान भी चाहिए पड़ता है, सामग्री की ज़रूरत रहती है और कॉस्ट भी नहीं बढ़े क्योंकि लोग अफोर्ड कर सकें, तो इसके लिए हम लोग इसको जो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है भारत सरकार का उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी एक तो सेपरेट बिल्डिंग हो जाए। मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है तो ज़्यादा कैपेसिटी इसकी बढ़ाने की ज़रूरत है और कुछ राज्य शासन स्तर से भी इशूज़ हैं जैसे इनके भुगतान वगैरह के बारे में, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। पार्किंग संचालकों की बदतमीजी, सड़क का मामला और एक वो मर्चरी कक्ष के बाहर का मामला भी आपके संज्ञान में आया है, उसमें क्या कुछ निर्णय लेंगे? नहीं, उसकी टर्म्स कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं कि क्या पार्किंग के लिए, क्या मरीजों को ज़्यादा आर्थिक बोझ भी ना आए और व्यवस्था भी बनी रहे, इसकी ऐसी कोशिश करेंगे। सर, यह गंदगी काफ़ी रहती है, आपके आने के पहले 1 घंटे पहले सफाई कराई गई है, हमेशा गंदगी रहती है सर, आपकी सूचना मिलने पर सफाई कराई गई है अभी। तो मैं रोज आ जाया करूँगा एक चक्कर। सर, एक्चुअली ठेकेदार के 40 आदमी है, वो कुछ नहीं करते हैं ना सफाई, आज नगर पालिका को आके सफाई करना पड़ी क्योंकि ठेकेदार के अंडर में आती सफाई व्यवस्था नहीं, उसको देख रहे हैं। हमने एक डॉक्टर साहब की मदद के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को भी यहाँ लगाया है, उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं और इन सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग नज़र रख रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि चीज़ों में किस तरह से सुधार किया जाए। सर, एक अपने क्रमांक 2 का आम रास्ता है लेकिन हॉस्पिटल ने रास्ता बंद कर दिया, आने जाने में काफ़ी परेशानी पड़ती है, 2 किलोमीटर राउंड लगा के आना पड़ता है सर इमरजेंसी मरीजों को लिए। सर नहीं, जैसा मैंने देखा है उसमें 2 व्हीलर्स और बाकी तो आ सकते हैं, बस 4 व्हीलर्स के लिए डिस्काउंट, बड़ी दिक्कत आती है सर। 3 किलोमीटर रास्ता बनाना भी, मरीज भी चलते हैं तो उनको ऑलरेडी आप रास्ता ही ना सर, ऑलरेडी आप रास्ते ही सुविधा मिल जाएगी सर थोड़ी सी जनता को। सर उसको देखेंगे सर, एक लाइट की व्यवस्था भी अच्छी हो जाए।